नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दक्ष। और दोस्तों, आज हरियाणा से एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। महत्वपूर्ण खबर यह है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के पास उन सरकारी कर्मचारियों की लिस्ट पहुंच गई है जिन सरकारी कर्मचारियों ने चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी की मदद की थी। बड़े अधिकारी, हरियाणा सरकार के जो बड़े अधिकारी, यानी सी और डी ग्रुप नहीं, बल्कि जो वन क्लास अफसर और सेकंड क्लास अफसर, जो रिजल्ट आने से पहले 6 और 7 तारीख को भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रोहतक वाली कोठी पर पहुंच गए थे। सरकार के पास, चाहे वो सीआईडी के माध्यम से या फिर वो सरकार के जो और सोर्सेज, चाहे वो सीसीटीवी कैमराज, जिस भी प्रकार से सरकार ने उन लोगों की लोकेशन ट्रेस कर रखा है, और उन अधिकारियों के जो नाम है वो नोट कर लिए हैं। इसमें जो सबसे पहला जो काम किया था वो किया था श्री महिपाल ढांडा जी ने। उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से अधिकारियों ने कांग्रेस पार्टी की मदद करने का काम किया है, उन्होंने बेईमानी की है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी किसी एक पार्टी की मदद नहीं कर सकता, पर्टिकुलर पार्टी की नहीं, वो उसका समर्थन कर सकता है। तो इसलिए सबसे पहले सरकारी अधिकारियों को चेताने का काम किया था वो किया था महिपाल ढांडा जी ने। उसके बाद फिर कृष्णलाल पवार जी ने भी यह बात उठाई और उन्होंने भी यही कहा कि सरकारी कर्मचारियों के द्वारा कांग्रेस का कहीं ना कहीं समर्थन किया गया, और कांग्रेस का समर्थन आप एक इंडिपेंडेंट तरीके से तो कर सकते हो, लेकिन आप एक सरकारी कर्मचारी होते हुए और आप कांग्रेस को सपोर्ट करो, आप उन मीटिंगों में दिखाई दो, तो ये कहीं ना कहीं यह लोकतंत्र के लिए ठीक भी नहीं। एक बात अनिल विज जी ने भी यह कहा था चुनाव के दौरान कि मुझे मारने तक का भी षड्यंत्र अधिकारी लोग कर रहे हैं। तो बहुत बड़े लेवल पर, क्योंकि जिस तरीके से मीडिया के अंदर और सरकारी अधिकारियों के अंदर और या कहें सर्वे के अंदर जिस प्रकार से एक लहर जो दिखाई जा रही थी कांग्रेस की, उसी के कारण वह अधिकारी किसी भी प्रकार से प्रभावित हुए होंगे वह अधिकारी, और उन्होंने इस प्रकार का दुस्साहस किया कि वह 6 और 7 तारीख को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर गए। अब वो क्या षड्यंत्र था या वह क्या बातचीत थी, अब यह तो जांच का विषय है कि सरकार अब इसके लिए क्या कदम उठाएगी, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी का अब यह टारगेट है कि, क्योंकि आप कहीं भी देखोगे तो हर जगह से जो शिकायतें हैं वो अधिकारियों की तरफ से है, क्योंकि अधिकारियों के द्वारा ही जनता का काम नहीं किया जाता, अधिकारियों के द्वारा ही जो ऊपर से जो पॉलिसी चलाई जाती है वो नीचे तक नहीं पहुंच पाती। तो कहीं ना कहीं उसमें अधिकारियों, और हमने खुद भी चुनाव के दौरान हमने ये महसूस किया, चाहे वह लोकसभा का चुनाव था या वह विधानसभा का चुनाव था, कि जैसे ही वोटिंग का टाइम नजदीक आता है, वोटिंग का टाइम जैसे जैसे नजदीक आ रहा था, तो रोहतक के अंदर जो बिजली है वो गायब हो जाती थी। शाम को लाइट कट लग जाता था ताकि पूरी रात जो मतदाता है वो परेशान रहे, क्योंकि मतदाता ने भाई मत देना है, और वो अगर परेशान होगा तो उनको मालूम है कि भाई बीजेपी की सरकार है, तो वो कहीं ना कहीं वो बीजेपी के अगेंस्ट में वोट करने का काम करेगा। और यही काम तो लोकसभा चुनाव के दौरान हुआ था, और यही काम रोहतक के अंदर विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ था, और इसमें कहीं ना कहीं उन अधिकारियों की संलिप्तता है जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कांग्रेस समर्थक अधिकारी हैं, चाहे वह बिजली अधिकारी थे, मतलब किसी भी प्रकार से किसी भी अधिकारी ने अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं किया, क्योंकि उन अधिकारियों की मंशा भी यही थी कि जितना भी जनता को परेशान किया जाए, जनता को वो मूलभूत सुविधाएं ना दी जाएं, ताकि जनता इस सरकार से परेशान हो और अपना
जो मत है वो इस भारतीय जनता पार्टी सरकार के अगेंस्ट में दे ताकि कांग्रेस की सरकार बन जाए। यह उन अधिकारियों ने एक बहुत बड़ा जो उनका फर्ज बनता था उसके अगेंस्ट जाकर उन्होंने यह कार्य किया है। और अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो लिस्ट है उन अधिकारियों की वह सीएमओ में मुख्यमंत्री जी की टेबल पर रखी हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। अब उन अधिकारियों का क्या होगा? उनका ट्रांसफर होगा, उनका सस्पेंशन होगा या उनके खिलाफ कोई और कार्यवाही की जाएगी? अब यह है आने वाले दिनों में मालूम पड़ा किया। तो उस दौरान भी वह कहते थे कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी अधिकारियों को किसी भी मामले में अनुशासनहीनता के मामले में माफ नहीं किया जाएगा। तो वह पहले दिन है इस पर कड़ा एक्शन लेने के मूड में है। जो अधिकारी कार्य नहीं करेंगे उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसा मुख्यमंत्री जी बार बार बोल चुके हैं। और अभी इंतजार रहेगा उन अधिकारियों का जिन्होंने भूपेंद्र हुड्डा के घर पे जाके भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात की। और दोस्तों इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात एक मैं आप लोगों को और भी बताता हूं कि जो अधिकारी आए थे वो इसलिए नहीं आए थे कि वो कुछ सिफारिश के लिए आए थे, हमारी ट्रांसफर वाकरी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो क्या है, वहां पर बैठकर जिस प्रकार से चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में बैठकर जो कार्य किए जाते हैं, जैसे एक सरकार का गठन होने के बाद एक वो एक जो क्या बोलते हैं सीएमओ जो बोला जाता है, सीएमओ के अंदर जो अपॉइंटमेंट होती है उनका खाका रिजल्ट आने से पहले ही तैयार किया जा रहा था। इस तरह की खबरें अखबारों में भी छपी कि वहां पर वो जो अधिकारी आए हुए थे उनके द्वारा ये लिस्टें बनाई गई और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा ये लिस्टें तैयार करवाई गई कि कौन मंत्री बनेगा और कौन कहां बैठेगा, कौन किस फ्लोर पे बैठेगा। इस तरह की सूचनाएं अखबारों में छपी हुई है कि कौन आदमी कहां बैठेगा, किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा। अब यह खबरें समाचार पत्र वालों को कहां से मिली, समाचार पत्र वाले भी वहां मौजूद थे या नहीं थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो बात है ये समाचार पत्र वालों ने भी सरकार तक पहुंचाने का कार्य किया है। तो इसके अंदर जो मीडिया है, मीडिया की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब वहां अधिकारी पहुंचे हैं तो निश्चित ही उस दिन 6 और 7 तारीख को भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी रोहतक में ही मौजूद थे, तो उनकी अधिकारियों की मौजूदगी में निश्चित जाहिर सी बात है कि पत्रकार भी वहां पर बहुत सारे पहुंचे थे। और उस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी सीट 60 से ऊपर आएंगी या 60 के आसपास आ सकती है, लेकिन वह परिणाम उसके अनुरूप नहीं ही आ पाया। तो जो अधिकारी यह सोच रहे थे कि यह अब कांग्रेस की सरकार अधिकारियों की मनसा पर पानी फिर गया है, जिसके परिणाम स्वरूप अब उन अधिकारियों के मन में भी पूर्ण रूप से एक अनिश्चितता मिलेगी और उनको भी कहीं ना कहीं यह डर है कि सरकार तक जो लिस्ट पहुंच चुकी है तो आगे उसका जो परिणाम है वह क्या होगा। तो यह आने वाले समय में हम इंतजार करते हैं दोस्तों कि इसका जो परिणाम है वह क्या होगा, उनकी ट्रांसफर होगी, सस्पेंशन होगा या उनके खिलाफ कोई और कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना और लाइक करना, कमेंट करना। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।